नमस्कार भाई, सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हूं अभी टोडपुरा का जो मेला चल रहा है झुंझुनू शेखावाटी नवलगढ़ के पास में, वहीं पे आया हुआ हूं मैं। और भाई बहुत ही सुंदर सुंदर है जो ऊँटों का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसको राजस्थान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। सब अलग अलग नस्ल के ये ऊँट है, ये देख रहे हो आप। और कैसे इनके जो मालिक है खाना बनाने में व्यस्त है, कैसे किस तरीके से ये व्यवस्थाएँ करते हैं। और ये भाई मिट्टी बहुत अच्छी यहाँ पे, इधर भी ये देखो, ये टेंट लगा के भाई बैठे हैं। ऊँट वालों का ये जीवन है भाई, ऐसा जीवन होता है इनका मेले में आने के बाद में। और उस जीवन से मैं आपको रूबरू कराऊँगा इसी वीडियो के ज़रिए। देखिए भाई, एक टोड़ा है जो ये पानी पी रहे हैं सभी ऊँट एक साथ में, यही इनका जीवन होता है। और क्या क्या करना पड़ता है इनको यहाँ आने के बाद, कैसे ये खाना बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ। ये देखो भाई, रेगिस्तान के जो जहाज़ है, सुंदर सुंदर नस्ल के ऊँट। आने पूछा भाई जी ने, भाई जी राम राम, काय नाम है आपको? लेखराज जी। हाँ जी, कड़म बता रहे हो साहब? मैं बता रहा हूँ उदयपुर वाटी हूँ साहब। उदयपुर वाटी हूँ? हाँ जी। अच्छा, तो आपके पास में ही है उदयपुर वाटी तट? हाँ। कौन सी नस्ल का ऊँट है साहब अपना? मालकन साहब सातोरी नस्ल का। या फिर पैगड़े का दाग वाला, मतलब काबू तलाई वाला। हाँ। उन्होंने दो चार नस्ल का ऊँट साहब। अच्छा, दो चार नस्ल का ऊँट है। थोड़ा बेच भाई लाया हो साहब आप? बेच भाई लाया हो साहब। हर बार ही आओगे मेला में? बार आवा साहब। अच्छा, और किसा मेला में जाओ सा? नहीं साहब, काबू तलाई जावा, डीडवाना जावा, अने पुष्कर जावा। अच्छा, अने लवारू जावा, दसू जावा, सारा मेला जगह जावा, सारा ही मेला करो। हाँ, सारा मेला करो। तो आज मगर छह महीना तो तक मेला में निकल जाता उसी? हाँ साहब। है ना? अच्छा अच्छा, तो अड़क आया टोड़पुरा मेला में? टोड़पुरा में आया मैंने साहब, 18 तारीख ने पहुंचा अभी। अच्छा, 18 तारीख ने? हाँ जी। अच्छा, काई व्यवस्था है लाइट पानी की? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया 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 व्यवस्था है लाइट पानी की। लाइट पानी की व्यवस्था मिल जाए और क्या? पानी की, फूल दुकाना दुकाना की, सब पूरा मार्केट है साहब, रहने सहने की भी सुविधा ही, सब सुविधा ही। चलो बढ़िया साहब, कोई संकट नहीं। ठीक है साहब, ठीक है। वाह भाई, वो देखो बहुत सुंदर ऊँट है भाई, वो बच्चा है भाई अभी। यहाँ बाजू बाजू पहना रखी है भाई ने। वाह भाई वाह, कौन सी नस्ल को है भाई वो? मन तो कौन बेरो पे क्यों नहीं पड़ा यार, ऊट पाड़ो बेरो क्यों कौन पड़े? अरे अनिल भाई, कौन से नस्ल का है? तो रेगिस्तान का जहाज है। अब इसकी नस्ल का तो देखो, ऐसे भैंस बड़ा भैंस, सुंदर बहुत है यार, बहुत सुंदर है, देख लो बच्चा। आजे बेटे, गर्दन भी बहुत लंबी होती है भाई इनकी तो यार। जोरदार है साहब, तो बैठ के चलाओ इस पे। नहीं, नहीं, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा है क्या? घुंघरू घुंघरू क्यों पहना रखा है इसको? घुंघरू ये डांस करने के लिए, इसको डांस सिखाएंगे ना? डांस तो सिखाओ तो फिर करके बताओ। तो मुझे थोड़ी आता है ये। अभी बच्चा है साहब। चलो बढ़िया है साहब, ऊँट बहुत सुंदर ऊँट है दोस्तों, ये छोटा बच्चा ही है अभी। और भी भाई देखो, और भी मैं आपको ऊँटों का जो डेरा है वो दिखाता हूँ। और इतना भाई जी है जो देखो खानों बना रही है साहब। 40 रुपये ने पूछा आप काई खानों बना रही हो, काई की सब्जी बनाया हो और काई रोटी बनाया हो। ये देखो भाई, देसी जीवन यापन ऊँट वालों का। राम राम साहब, कौन सा गाँव साहब आपको? कुडली कड़े पटे सिकर में? सिकर में। अच्छा, क्या नाम बताया आपको? मनोज नाम। मनोज जी, कितना ऊँट ले रहे हो? 7 ऊँट ले रहा है, एक ऊँट बेच दिया। अच्छा, अच्छा बेच दिए एक ऊँट। चलो बढ़िया सर, बढ़िया। क्या रोटी बनाया हो आज? रोटी सब्जी? रोटी सब्जी, दाल बनाई है, रोटी बनाई है। दाल बनाया हो और रोटी बनाया हो? हाँ। चलो साहब बढ़िया साहब, वही जीवन है ऊँट वाला को तो है। खैर मजदूरी तो खैर करनी पड़े सा, पर वो देसी जीवन है साहब। देसी जीवन है साहब, ऊंट गाड़ी में जाए साहब, कतार में से मिल तो जाए, बस में बैठ जाए, चले जाए, कोई नहीं मिले, कोई पता ही कौन पड़ा है। ऊंट पर जाए तो कितना आदमी राम राम करता जाए,
अब कत आदमी मेला कमा मान दो थे बड़ा मन आदमी फिर अंदर को मिल जाए थे मेला कमा मिल जाए मेला मिल जाए सर। चलो बढ़िया है सर। ई वास्ते देखो संस्कृति है राजस्थान की मेला बराबो रे करबो ये तो बल आदमी का काम ही मेला बराबो हर किसी की बात हर किसी की बस की बात होने सर। हर मेला में जाता रहा साहब। हां हां नागौर बालोतरा सब मेला में जाओगे आप? वो जीवन है साहब करने प्रसाद देखो बिल्कुल साहब मजदूरी पेट पालवा के लिए सब करना ही पड़ा सा। रात में प्रसाद साहब थोड़ी आई कौन आई रात कौन आई है। चलो ठीक है साहब बढ़िया। वो कौन आया कौन टाला कौन आया बहुत दिन लगा श्री राम जी बात करी। तो भाई दोस्तों ये जीवन होता है उठवाड़े का। यहाँ पे खाना बना के देसी अंदाज में खाने का मज़ा ही कुछ और है और खाना भी स्वादिष्ट लगता है। मैंने कई बार है जो उठवालों के यहाँ पे खाना खाया है भाई क्योंकि मैं भी हर मेले में जाता हूँ सभी मेले में करता हूँ।